आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही। स्वागत है आपका उज्जवल भारत समाचार में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए डालते हैं बॉलीवुड से जुड़ी खबरों पर एक नजर। 32 साल के बाद लौटेगी रजनीकांत और अमिताभ बच्चन की जोड़ी। सामने आया थलाइवर 170 का पोस्टर, जिसमें साउथ के दिग्गज कलाकार रजनीकांत और हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन दोनों एक साथ दिखाई देंगे। मुझे यकीन है कि हम इससे सभी को हैरान कर देंगे, टाइगर 3 की स्टोरी को लेकर सलमान खान ने किया बड़ा दावा। बता दें कि कुछ समय पहले ही टाइगर 3 का टीजर जारी हुआ था और अब सभी को फिल्म की रिलीज का इंतजार है। फिल्म में सलमान खान के साथ कैटरीना कैफ भी लीड रोल में दिखाई देंगी। रामायण फिल्म की शूटिंग को लेकर हुई चर्चा, भगवान राम बनेंगे रणवीर कपूर तो सीता के रोल में दिखेंगी साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी। बता दें कि हाल ही में रामायण पर बेस्ड फिल्म आदि पुरुष लोगों द्वारा पसंद नहीं किए जाने के कारण कई लोगों ने फिल्म निर्माता नितेश तिवारी को रामायण न बनाने की सलाह दी, लेकिन फिल्म मेकर अपने फैसले पर अड़े रहे और बहुत जल्द ही ये अपनी फिल्म में रामायण की शूटिंग करने वाले हैं। एक्टिंग से दूर रहकर भी करोड़ों कमाती हैं सोनम कपूर की छोटी बहन रिया कपूर। बता दें कि फिल्म प्रोड्यूसर होने के साथ साथ फैशन स्टाइलिस्ट भी हैं। वहीं फिल्म के अलावा रिया कपूर रेसर नाम के क्लॉथिंग ब्रांड की फाउंडर भी हैं और इससे भी वो करोड़ों की कमाई करती हैं। कभी बॉबी देओल के साथ काम नहीं करना चाहता था कोई डायरेक्टर, आज विलेन बनकर एक्टर मचा रहे हैं तहलका। वेब सीरीज आश्रम 3 का है उनके फैंस को बेसब्री से इंतजार। बता दें कि रणबीर कपूर और बॉबी देओल की फिल्म एनिमल 1 दिसंबर को बड़े पर्दे पर होगी रिलीज। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत समाचार को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज्जवल भारत समाचार, खबर वही जो है सही।